हाय, मैं हूँ प्राजक्ता और वेलकम बैक टू विन विथ वेलबिंग। क्या आप सर्दी में गुड़ खाने के फायदे जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और साथ ही आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड़ की तासीर गर्म होती है, और सर्दी में गुड़ खाने से हमारी बॉडी को गर्माहट मिलती है। और सर्दी में अगर आप रोज़ गुड़ खाने पर प्रेफर करते हैं तो आप सर्दी, खांसी, ज़ुकाम इनसे बच सकते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सर्दी के दिनों में हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो बहुत धीमे तरीके से होती है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसे नॉर्मल रेगुलेट करने के लिए गुड़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गुड़ खाने से जो हमारे ब्लड प्रेशर संबंधित जो कुछ समस्या है, वो दूर होने में भी हेल्प होती है। पाचन संबंधी यानी डाइजेशन संबंधी जो कुछ अगर आपकी समस्या है, तो आपको हर रोज़ खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। इससे आपकी जो पाचन संबंधित समस्या है, वो सॉल्व होने में हेल्प होगी। खास करके ये सर्दी के दिनों में जो गले की खराश होती है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और गले में या थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उससे बचने के लिए भी आप गुड़ खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम के जो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध है, उनमें गुड़ का यूज़ इसी कारण किया जाता है कि ये संक्रमण से हमें बचाता है। गुड़ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिन महिलाओं को या छोटे बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम सताती है, या जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उन्हें गुड़ का सेवन करना चाहिए। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। क्या आप जानते हैं, कभी भी बहुत पहले ऐसे होता था, कोई भी अगर थका हारा घर लौटता था तो उसे पानी के साथ साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा भी दिया जाता था। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसे एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का उसके पीछे का ये रीज़न है। और इसीलिए अगर आप इंस्टेंट एनर्जी भी चाहते हो, बहुत थके हारे हो, तो आपको गुड़ का एक टुकड़ा ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही गुड़ मैग्नीशियम का एक बहुत रिच सोर्स है। अगर आप गुड़ खाते हो तो जो आपकी थकी मांसपेशियाँ है, आपके वेन्स, आर्टरीज, इसमें जो थकान है, उनसे राहत मिलती है। साथ ही यह आपके शरीर में जो कुछ ब्लड की, रक्त की कमी है, उसे भर के निकालने में बहुत सहायक है। तो आप बहुत जगह शुगर को अल्टरनेटिव गुड़ यूज़ कर सकते हैं। गुड़ के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। और साथ ही आप किसी लड्डू में, जहाँ पे भी हम शुगर ऐड करते हैं, वहाँ पे अगर आप गुड़ को ऐड करते हैं, गुड़ को किसी न किसी सोर्स में अगर आप लेते हैं, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी गुड़ के बारे में। अक्सर हम गुड़ को नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपको गुड़ को ज़रूर खाना चाहिए, आपके डाइट में इसे इंक्लूड करना चाहिए। और ऐसी ही बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी हिट करें, ताकि मैं नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।